आज हम बात करेंगे बैट स्पीड के बारे में, कैसे आप अपनी बैट स्पीड तेज कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैट स्पीड किसी भी बैट्समैन के लिए, क्योंकि अगर आपको जो हमारी रोप होती है उससे बाहर पहुंचाना है, छक्के और चौके मारने हैं, तो हमें तेज बैट लाना ही पड़ेगा, तेज बैट घुमाना ही पड़ेगा। पर घुमाना कैसे है, किस डायरेक्शन में घुमाना है, कौन सा हैंड यूज होगा घुमाते हुए, सब कुछ आज बताने वाला हूँ। साथ में आपको पांच ड्रिल बताऊंगा जो एक से बढ़ के एक होने वाली है। पांचों ड्रिल अगर आपने देख लिया तो 100% बोल रहा हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे, और ड्रिल करने के बाद आपको रिजल्ट भी एकदम देखने को मिलेगा। और आज का टारगेट है सिर्फ 2000 लाइक का, आप एकदम अचीव करा देते हो, दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप अचीव कराते हो टारगेट, तो 2000 लाइक चाहिए ही चाहिए इस वीडियो पे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अब आ गया हूँ मैं विकेट के बीच में, और ड्रिल्स बताने के लिए जाएंगे अपने नेट्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको बता दूं, बैट स्पीड तेज करने के लिए बैकलिफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकलिफ्ट जब भी आप ऊपर उठाओगे, बैकलिफ्ट आपको ऊपर उठानी है, तो आपका ये वाला हाथ रोल करेगा ऊपर उठाने के लिए, आप इस हाथ से ऊपर नहीं उठा सकते हो। हम ये रिस्क देखो ब्लॉक हो रही है यहीं पे, तो आपको कोशिश करनी है जब भी आप बैकलिफ्ट आओगे, यहाँ पे स्टांस ले रहे हैं, तो बैकलिफ्ट जो आपको ऊपर उठानी है वो इस हाथ का रोल है। जब भी आप बैट अपना नीचे ले जाओगे, जब तक रोल रहेगा इसका, जब तक बॉल कनेक्ट नहीं होगी, और ये आपका फोर्स अच्छी देगा। यहाँ से आप बॉल अपनी कनेक्ट करोगे और यहाँ तक आपकी बॉटम एंड की पूरी पावर चाहिए, उसके बाद जब भी आप यहाँ फिनिश कर दोगे उसके बाद आपका रोल स्टार्ट हो जाएगा अपना ऊपर वाले हाथ का। तो ये ध्यान रखनी है, बैकलिफ्ट में आपने ये वाला हाथ रखा और जब आप फोर्स देने गए आपको मारना है, तो आपका बॉटम एंड का रोल स्टार्ट हो गया, आपने मार दिया, फिर आपका ऊपर वाला हाथ। तो ये छोटी सी चीज है। और बैट स्विंग और बैट स्पीड में फ़र्क क्या है, बहुत भाई सोचते हैं बैट स्विंग सेम है और बैट स्पीड भी सेम है, ये सेम नहीं होता। ये तो हमारा हो गया बैट स्विंग, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट गए और एंड हुआ हमारा यहाँ पूरा, ये जो अपना पूरा सर्कल बना यहाँ से और अपना यहाँ तक, ये हो गया आपका पूरा बैट स्विंग। और बैट स्पीड क्या है, यहाँ से जो भी आप पावर लगा रहे हो बॉल पे लगने तक, जो भी पावर आपके अंदर से लग रही है वो होगी आपकी बैट स्पीड। तो ये दोनों में फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए कि बैट स्विंग क्या होता है और बैट स्पीड क्या होता है। और अगर आपको बैट स्पीड बनानी है तो उसमें बैट स्विंग भी होना चाहिए। जैसे मुझे बोलो मारना है, तो बैट स्विंग अगर मैं ऊपर से बैट अपना ऊपर से नहीं लाऊंगा, ये जो स्विंग है ये अपना कंप्लीट नहीं करूंगा, तो पावर नहीं लगेगा। तो दोनों चीज़ करनी है, बैट स्पीड भी, यहाँ से आपका बैट भी तेज आएगा बॉल पे लगने तक, उसके बाद स्विंग भी पूरा होगा। अब बात करते हैं पहली ड्रिल के बारे में। पहली ड्रिल के लिए मेरे साथ आ गया हर्ष, और उसके लिए चाहिए आपको थारा बैंड। अभी ये बताया गया इसका यूज़ कैसे करना है, और इसमें ध्यान रखना है ये हमारी फोर्स को इंक्रीज करने में, जैसे बैट हल्का होता है ये थोड़ा भारी होगा, उससे क्या होगा जब भी इसके बाद आप बैट पकड़ोगे तो आपको मजा ज्यादा आएगा। तो अभी आपको दिखाएगा हर चीज को करके। ये ड्रिल आपको शुरू में 30-30 करनी है, और आप इसके सेट्स बढ़ा सकते हो। ये ड्रिल आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए सबसे अच्छी ड्रिल्स है, और आपको बैट स्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अब हम करेंगे दूसरी ड्रिल। ये दूसरी ड्रिल पहली ड्रिल की तरह ही है, और इसमें बस हमें एक लेवल एडवांस होना पड़ेगा। दो बैट की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी, दोनों बैट को हम होल्ड करेंगे, और इसमें हमें सेम वही स्ट्रेट डाउन स्विंग के साथ और पुल शॉट वही हम ट्राई करेंगे। इसमें भी आप 30-30 के रेपिटेशन ले सकते हो। तो अब हम आ चुके थर्ड ड्रिल पे। थर्ड ड्रिल पे हमें एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी और बॉल की जरूरत पड़ेगी। बॉल हम टेनिस या फिर लेदर कोई सी भी ले सकते हैं। इस ड्रिल में हमें क्या चीज़ देखनी है, जो आपको शुरू में भैया ने अपर हैंड लो और लोअर हैंड का यूज़ बताया था, वो चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए हमें अपने शॉट को पूरा मारना है। जो हमें हमारा पार्टनर होगा वो हमें ड्रॉप डाउन बॉल सर्व करेगा, और हम अपने शॉट को पूरा फिनिश करेंगे। तो अभी तक गाइज आपने तीन ड्रिल देख चुके हैं, ये था बेस। अब आपको क्या करना है, आगे वाली बॉल पे आगे खेलना है, भी हर साहब को खेल के दिखाएगा, और पुल शॉट मारना है। इससे बाद जो पांचवी ड्रिल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप चौथी जो हमारी ड्रिल है वो देख लो। तो ये ड्रिल आप जितनी ज्यादा करोगे और जितनी ज्यादा इसकी रिपीटेशन लोगे ना, उतनी ही ज्यादा आपकी बैट स्पीड तेज हो जाएगी। गाइज इन पांच ड्रिल की मदद से आप अपनी बैट स्पीड तेज कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है, इन पांच ड्रिल जब आप कर रहे हो तो शेप में बैट आना चाहिए, यानी कि आप अनसेट बैट घुमा रहे हो। बैट जैसे हम आगे वाली ड्राइव वाली ड्रिल कर रहे थे और पुल वाली कर रहे थे, बैट शेप में आना चाहिए। तेज के चक्कर में आपको अपनी बैट स्विंग खराब नहीं करना है और अपना शेप भी खराब नहीं करना है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये आपको टाइम से मदद देगा, यानी कि आप सोच रहे हो कल कोई मेरे बैट स्पीड तेज हो जाएगा, टाइम लगेगा पर होगी एक दिन जरूर जब आप डेली करते रहोगे। तो गाइज
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था टारगेट वो आप पूरा करा ही दोगे, और इंस्टाग्राम पे भी आपका भाई सेम अकाउंट है क्रिकेट विशाल, वहाँ पे भी आपका सपोर्ट चाहिए, मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।